मिले तो भाई को देख के काफी अच्छा लगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग माता रानी की कृपा से सुखी होंगे। तो बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। तो गाइस, एक और नया ब्लॉग आप लोग के लिए। तो बीच में हम लोगों ने कैंपिंग और ट्रैवलिंग की थी, आपको पता ही है, ट्रैकिंग की थी। तो इस चक्कर से मैं काफी दिनों बाद घर का ब्लॉग कर रहा हूँ यार। तो आज यार गाइस, वैसे भी आज सुबह से बारिश है दौड़ में। तो सुबह से तो यार कल रात से बारिश है, बारिश आके रुक के और दी गाइस। तो जो मौसम विभाग ने भी पहले अलर्ट किया है कि आज की काफी ज्यादा बारिश हो सकती है भिसावल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो गाइस, मौसम तो सुबह से ऐसी है। तो जस्ट अभी उठाऊ मैं, उठ के अभी जस्ट मैं चाय की मज ले रहा हूँ, क्योंकि पहाड़ों में जब बारिश होती है तो गाइस काफी ठंडा होता है यार बारिश होने के बाद। तो जैसे तराई का भी जो टेम्परेचर अभी तो कभी काफी हाई चल रहा है, लेकिन जो पहाड़ों का टेम्परेचर तो काफी सही चल रहा है गाइस। आप लोगों को बताऊं तो यार काफी सही मौसम है अभी तो पहाड़ों में। तो गाइस, आज तो सुबह से बारिश है, वैसे भी कहीं जाने का तो ऐसा है नहीं अभी। तो शायद थोड़ी देर में बारिश होगी, तो मार्केट जाना था। तो गाइस देखते क्या होता है। और आज गुन्नू की भी छुट्टी है, क्योंकि बारिश ज्यादा होने के कारण तो मौसम विभाग जो था उनने पहले अलर्ट जारी किया था। तो उससे बच्चों की छुट्टी पहले वो हो गई है गाइस, पहले बच्चों की छुट्टी हो गई है। तो देख सकते हैं गाइस, तो मौसम आज स्टेप से है। तो दिखाते हैं आप लोगों को मौसम, उसके बाद चलते हैं शॉप में, बैठते हैं थोड़ी देर शॉप में गाइस। तो उसके बाद मिलता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों, आप देख ही सकते हो दोस्तों, सुबह से बारिश हो रही है में, क्योंकि रात बराबर सुबह से थी, कल रात से बारिश हो रही है, कल रात ही रुक रुक के बारिश हो रही थी। और जो पिथौड़ का वेदर है तो कुछ स्टेप्स हो रहा है वेदर अभी। तो आप लोग देख सकते हैं आसमान जो है कि आसमान बिल्कुल कहीं खुला नहीं है गाइस, तो चारों तरफ से भरा ही दिख रहा होगा आप लोगों को। तो देख सकते हैं जो आज बारिश जो मौसम में आ रही है, मौसम में काफ़ी तगड़ा अलर्ट किया है वैसे दौड़ के अंदर, तो काफ़ी तेज़ बारिश हो सकती है गाइस। तो देख सकते हैं आप लोग यार, जो वेदर है तो आज किस टाइप का वेदर है। तो इस चक्कर से गुन्नू की भी छुट्टी होगी आज। और अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30। तो जस्ट अभी घर में काम चल रहा है अभी, तो घर में अभी साफ़ सफाई का काम चल रहा है। तो अभी तो यहाँ पर है, तो काफ़ी दिनों बाद आप लोग को ब्लॉग दिख रही है अभी। आज देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी दिनों बाद दिख रही है ब्लॉग में आज। और मुझे कि सफाई करते हैं झाड़ू हाथ में। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग यार, तो मौसम तो इस टाइप की आज क्या करा था, तो मार्केट में तो ऐसे हुआ। तो देखते क्या होता है, थोड़ी देर बारिश हुई थी तो उसके बाद देखते हैं गाइस। और दुकान में कुछ कस्टमर आए हैं तो नीचे बुला रहे हैं मेरे को गाइस, देख सकते हैं आप लोग। तो गाइस चलते हैं दुकान की ओर, तो आप लोग मिलता हूँ दुकान में, थोड़ी देर शॉप में बैठता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोग को। तो गाइस जस्ट अभी दुकान में बैठा था, थोड़ी देर पर आया नाश्ता करने के लिए। और आदि को देखो, आदि आज कल खुले अल्लाह करता है घर में। आदु क्या क्या हुआ, इसको खा ले। क्या हुआ, और खाता भी नहीं आजकल, ये कभी वो करता है भाई, खाता भी नहीं आजकल ये। देखो आदि को देखो, शैतान ही इसकी। देखो अब गुन्नू की छुट्टी है, गुन्नू का घर में। आदु गाइस को पकड़ता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों को। इसको नहीं बोलोगे तो गुस्सा हो जाएगा ये। आदि आदि ओए क्या क्या, देखो आ गया मेरे पास आ रहा है। तो गाइस को पकड़ता हूँ, फिर मिलता हूँ। तो गाइस सो चुका था, नाश्ता पानी करने का जस्ट में आ चुका था दुकान में यार। तो अभी दुकान में बैठे हैं गाइस। तो यार आज बारिश होने के कारण यार कहीं गए नहीं हो अभी, तो अभी थोड़ी बारिश रुक रही है शायद, तो रुक जाएगी तो थोड़ी क्या पता। उसके बाद मैं मार्केट जाऊंगा, तो मार्केट जाके काफी काम है मेरे, बहुत ज्यादा काम है आज, तो काम निपटाएंगे। उसके बाद गाइस फिर देखते हैं फ्री होने क्या, फिर करेंगे ब्लॉग। तो मिलते हैं आप लोग से मार्केट से आने के बाद अब। तो गाइस आज का तो मार्केट है, मार्केट आने के बाद क्या बारिश होने की जबर भाई की दुकान में आ चुका था। तो आप लोग को पता है जो मेरी बाल कटिंग होती है, तो शेविंग जो मैं कराता हूँ जबर भाई की वहीं से कराता हूँ गाइस। तो जस्ट अभी भाई मेरे साथी थे अभी यहाँ पर, तो आप लोग को बताऊँ तो अभी बारिश हो रही है, कसम घर नहीं गया तो सामान है यहाँ पर। तो मैं आप लोग को बताऊँ तो भाई की दुकान में, जो साहिल की दुकान है, तो साहिल की दुकान है भाई लोग कहीं ऐसे भी आते हैं जो मेरी वीडियो देख के आते हैं गाइस, मैं आपको रियल बताऊँ। तो यार उसे वीडियो में मिलाता हूँ, आप लोग से मिलना एक बार। भैया जो नेपाल से आए हैं, तो आपको भैया कैसे पता लगा इनकी शॉप के बारे में? अच्छा मेरी वीडियो देख के। अच्छा तो गाइस देख सकते हैं भाई, जो मेरी वीडियो देख के आए हैं सब्सक्राइबर है भैया लोग, तो काफी अच्छा लगता है, ऐसा प्यार मिलता है। और साहिल अपना तो काफी अच्छा काम, कैसा काम लगा आपको यहाँ का? अच्छा काम है। तो गाइस अभी भाई अपना काम करा ही रहा है, आप लोग देख सकते हैं अभी आज अभी अपना कलर अलग करा रहे हैं, इसमें कटिंग कराएंगे भी, कलर अलग करा रहे भैया। तो देख सकते हैं साहिल भाई का काम काफी अच्छा है, आप लोग बताऊँ तो। आप लोग बाहर का मौसम दिखाऊँ तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, मौसम तो बारिश हो रही है यार अभी तो काफी तेज बारिश हो रही है, थोड़ी रुक चुकी है बारिश अभी। तो गाइस निकल रहा हूँ अभी घर की ओर, तो अभी थोड़ा सामान पड़ा है मेरा, सामान लेके निकल रहा हूँ गाइस घर की ओर। तो देख सकते हैं भैया लोगों से मिलकर काफी अच्छा लगा, जो वीडियो देखते हैं अपनी, तो गाइस अच्छा लगा काफी। तो मिलते हैं आप लोगों को बाद में।
तो गाइस आ चुका था घर, नाश्ता खाना ना खा लिया था तो सुबह नाश्ता कम हुआ था। मम्मी ने नाश्ते में सुबह सिवाई बनाई थी तो चक्कर से नाश्ता कम ही खाया था, तो अभी भूख लग रही थी जल्दी, तो उस चक्कर में जल्दी खाना खा लिया। तो देख सकते हो अभी साथ में अभी और भी, तो गाइस देख सकते हो यार, तो आज कल अभी थोड़ा सही हो रही है। तो ये अभी अपने कर्म से अपनी मायके गई थी, अपने घर गई थी, तो कल आ रही है अभी, तो उसके बाद सही है अभी। तो आए देख सकते हैं, अब दुकान में बैठूंगा थोड़ी देर। तो आज का मौसम तो ऐसी है यार, क्योंकि सुबह से बारिश है, तो देखते हैं आज कैसा होता है। तो शाम के टाइम कोई प्लान होगा तो देखते हैं ये तो कैसा होता है, नहीं तो दुकान में मिलते नहीं तो घर का ब्लॉग डाल दीजिए। तो गाइस शाम के बज चुके हैं 5:30, तो हम आगे तो ऊपर BDS कैफे यार घूमते घामते, तो नीचे सिटी को मन नहीं कर रहा था, कमल भाई और मिला तो आज मैंने सुबह की पौधा किया, मैंने कहा कॉफी भी लेते हैं करके। तो गाइस हम आ चुके थे BDS कैफे, तो आप लोगों को पहले हमने एक्सप्रेस कराया है BDS कैफे, तो काफी अच्छा है, तो आप लोग एक बार आना। तो गाइस जब भी आप लोगों को मौका मिले तो तब भी आना यार गाइस, तो हमें काफी सही लगता है, हम तो यहाँ हमारा जब भी टाइम मिलता है हम लोग आते रहते हैं भाई क्या पौधा यहाँ, तो काफी अच्छा लगता है गाइस। तो देख सकते हैं हम जस्ट अभी BDS कैफे में, अभी तो थोड़ी देर में निकल आएंगे कम भाई में, अभी पौधा कम लोगों ने अभी कॉफी ऑर्डर कर रखी, कॉफी अभी पीते हैं गाइस। तो काफी टाइम बाद आया हम लोग, क्योंकि बीच में हम लोग टेम्पल जा रहे थे और उस चक्कर से हम लोग चोखा रह रहे थे, तो हम लोग उस चक्कर से नॉर्मल कुछ चीज ट्राई नहीं कर रहे थे गाइस हम लोग। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आज BDS कैफे दाइल पूरी लाइटिंग ऑन कर रही है, आप लोग दिख रही होगी पीछे यार, तो पीछे पूरी लाइटिंग ऑन दिख रही होगी आप लोग गाइस, काफी अभी सही लग रहा है, काफी अल्टीमेट लग रहा है मेरे को भी आगे यार दाई का। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग थोड़ी देर दाई में आ रहे हैं, अभी कॉफी भी बना रहे हैं, तो कॉफी भी ट्राई करते हैं गाइस, तो थोड़ी देर बैठते हैं और में तो मिलते हैं उसके बाद। तो गाइस देख सकते हैं शाम का नजारा है, 5-6 बजे का नजारा है, तो काफी अल्टीमेट है, काफी सही नजारा है यार। और आप लोग दिखाऊँ यहाँ पे चेकिंग चल रही है, चालान चल रहे भाई गाइस, बहुत तगड़े कभी चल रहा है आप लोगों को बता दो यार। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, और जस्ट अभी हम लोग BDS कैफे आए थे, थोड़ी देर बैठेंगे गाइस भाई के वहाँ, तो दाई को आप लोगों को बताइए, दाई के बारे में आप लोगों को बताइए गाइस। तो देखते हैं अभी क्या करते हैं, थोड़ी देर कॉफ़ी अभी पीते हैं, कॉफ़ी तो ला चुके हैं गाइस, भाई ने कॉफ़ी बना दिया मान लें, तो थोड़ी कॉफ़ी अभी पीते हैं, देख सकते हैं आप लोग, तो कॉफ़ी अभी पीते हैं गाइस, तो उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, तो उसके बाद निकलते हैं गाइस यहाँ से। तो देख सकते हैं आप लोग चालान बहुत तगड़े चल रहे हैं, लेकिन आप लोग को बताऊँ तो, और प्रैक्टिस वाले लौंडे आप लोग दिख रहे होंगे गाइस, ये पहाड़ों में युवा जो होते हैं काफ़ी यार, आप लोग बताऊँ तो काफ़ी वो करते हैं भाई तैयारी यार अपने यहाँ, तो काफ़ी प्रैक्टिस में रहते हो हर टाइम। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, और जस्ट थोड़ी देर में निकल जाएंगे कम भाई वाले से, तो थोड़ी देर कॉफ़ी के मजे लेते हैं फिर निकलते गाइस यहाँ से, तो मिलते हैं आप लोग कॉफ़ी के बाद अब। तो गाइस देख सकते हैं भाई लोग तैयारियाँ फुल जोश में, भाई लोग फुल जोश में, भाई लोग देख सकते हैं गाइस, भाई लोग देख सकते हैं फुल तैयारी, हर दिन प्रैक्टिस में रहते हैं गाइस भाई लोग, भाई लोग ने कहा कि ब्लॉग ले लो करके, तो देख सकते हैं आप लोग यार, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि जो पहाड़ी युवा होते हैं काफ़ी हर में प्रैक्टिस में हमेशा आया गाइस, आप लोगों को बताऊँ तो काफ़ी अच्छा लगता है इनको देख के आया गाइस। तो गाइस देख सकते हैं यार भाई लोगों का प्यार काफ़ी अच्छा लगता है गाइस, तो ऐसा प्यार हमेशा मिले तो भाई को देख के काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। हिल राइडर 5 तो गाइस देख सकते हैं आप लोग भाई लोग का जो जोश है भाई लोग का, तो देख सकते हैं गाइस आप लोग यार, तो काफ़ी अच्छा लगता है यार। तो गाइस हम भी कॉफ़ी के मजे लेते हैं उसके निकलते हैं गाइस यहाँ से। तो गाइस कॉफ़ी अभी पी ली थी हमने, जस्ट हम निकलने का टाइम हो चुका था, तो थोड़ी देर आगे नीचे भी वरदानी के पास भी बैठेंगे हम लोग, तो मैं तो बताऊँ तो काफ़ी सही बनाते हैं जो कॉफ़ी बनाते हैं बंदा, तो काफ़ी अच्छी बनाते हैं मान लेते हम साफ बनाए गाइस, तो कोई भी आ सकते हैं गाइस ट्राई करना एक बार आके बंदा यहाँ। तो BDS कैफे जस्ट चंडाक से जस्ट मेघला से जस्ट आपका 200-300 मीटर नीचे है, और जस्ट इससे पहले चौकी आएगी, तो देख सकते हैं आप लोग पौधा ये रहे हमारे, तो जब भी आ सकते हो गाइस ट्राई करना पक्का, दाई के साथ एक बार बैठ के जाना, बात करके जाना दाई के साथ, तो काफी अच्छे आदमी भी है, मैं आप लोगों को बताऊं तो। और जैसे आप लोगों का बर्थडे डे कुछ भी इवेंट बनाना तो दाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो नंबर आप इनका कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं गाइस BDS कैफे का, जो ऑनलाइन इनके प्रकाश पौधा, तो इनका मैं नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख सकते हैं गाइस, तो कॉन्टेक्ट जब भी हो सके, बर्थडे पार्टी या कुछ भी हो आप लोग के घर में, तो कहीं भी हो तो बाहर आप लोग कहीं भी सेवा का मौका देना गाइस एक बार। तो गाइस चलते हैं यहाँ से मोटे ब्लॉक के मजे लेना, मिलते हैं आप लोग के वहाँ नीचे वरदानी के पास। दोस्तों जस्ट पहुंच चुके थे हम लोग अभी वरदानी के पास, और शाम के टाइम आप लोग को पता ही है वरदानी के पास कितना क्लाउड होता है, तो देख सकते हैं आप लोग अभी कितना क्लाउड है गाइस यहाँ पर, देख सकते हैं आप लोग, और यहाँ पर से जो व्यू आ रहा था गाइस देख सकते हैं, अभी जो व्यू आ रहा था कैसा व्यू आ रहा है आज सिटी का, तो गाइस देख सकते हैं आप लोग यार अल्टीमेट व्यू यार गाइस एक नंबर, काफ़ी सुंदर नज़ारा है आप लोग देख सकते हैं यार गाइस, जो अभी नज़ारा आ रहा था यहाँ से, तो दिन में बारिश हो रही थी जस्ट अभी थोड़ा मौसम खुला है, तो मौसम खुलने के बाद देख सकते हैं आप लोग कैसा नज़ारा आ रहा है, तो जस्ट अभी थोड़ा मौसम खुला है तो खुलने के बाद नज़ारा जो है काफ़ी अल्टीमेट है यार, आप लोग देख सकते हैं गाइस, जो ये देखिए ये नज़ारा भी काफ़ी तगड़ा है। तो गाइस देख सकते हैं जस्ट अभी मोबाइल में पुरस्कार आए थे BDS कैफे से, थोड़ी देर हमने सोचा कि यहाँ पे बैठ लें, तो आप लोग को दिख रहा होगा गाइस सिटी,
स्टूडियो पे बैठते गए, टाइमलेस बनाते हैं यहाँ से, फिर देखते हैं गाइस क्या करते हैं। तो टाइमलेस बनाने का निकलेंगे गाइस, तो मिलते हैं टाइमलेस के बाद। जस्ट बैठ चुके थे हम लोग यहाँ, तो इससे पहले आप लोग मेरा टाइमलेस देख चुके होंगे, तो टाइमलेस आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। और जो आप लोगों को पिथौरागढ़ का वेदर बताऊँ तो काफ़ी अल्टीमेट वेदर है आप लोगों को बताऊँ तो यार। और सिटी की लाइट अभी जल्दी चालू हो चुकी है लगभग, आप लोग देख सकते हैं अभी अब थोड़ी थोड़ी सिटी की लाइट जल्दी चालू हो चुकी है लगभग, तो आप लोग देख सकते हैं। जो मैंने टाइमलेस भी डाला हुआ तो काफ़ी टाइम लग गया टाइमलेस में, लेकिन आप लोग कैसा लगा टाइमलेस तो ये प्लीज़ कमेंट करके बताना। और गाइस आप लोगों को बताऊं तो यहाँ कुछ भाई लोग आए थे मेरे, जो खड़े हैं आपके पीलीभीत से यूपी की तरफ से, तो भाई लोगों ने जस्ट में मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है भाई लोगों ने, तो काफ़ी अच्छे लगे मेरे को भाई लोग जो कि घूमने में आ रहे हैं। तो आप लोग कैसा आ गया यार दाई भाई गॉड, मतलब यार ब्लॉग देख के मतलब मैं पीलीभीत से आ रहा हूँ मिलने के लिए, मतलब दाई से खास मिलने के लिए, मतलब तो देख सकते हैं भाई लोगों का, भाई लोगों का प्यार है, हमेशा प्यार मिलता है तो ऐसा अच्छा लगता है मेरे को बिल्कुल। आज दिन के टाइम में भी देखा था आपके साथ दाई, आपके सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज, आप जितने भी हो देख रहे हो वीडियो, तो गाइस आप लोग देख सकते हैं जैसे भाई लोग का प्यार आज आप लोगों ने देखा है, चार आगे शेर दबा के मारना है बिल्कुल दबा के। तो गाइस देख सकते हैं दिन में, आप लोगों ने दिन में भी देखा होगा, दिन में भी कुछ नेपाल से लड़के आए थे मेरे से मिलने के लिए, जिनने मेरी वीडियो देख के आज हेयर कटिंग कराई वहाँ पर जफर भाई के, आप लोगों को पता ही है। तो आज कुछ भाई लोग ये लोग भी आए थे खड़ी वहाँ से पीलीभीत की तरफ से, तो काफी अच्छा लगता है जो ऐसा प्यार मिलता है गाइस। तो कैसा लगा आप लोगों को पिथौरागढ़ का क्लाइमेट कैसा लगा बताओ, पिथौरागढ़ आगे कैसा लगा, मजा आ गया, मजा आया जीरो फाइव, मतलब आपके वजह से ही मशहूर है। गाइस देख सकते हैं आप लोग, तो गाइस तो निकलते हैं यहाँ से, टाइम हो चुका है निकलने का, तो आप लोग देख सकते हैं लास्ट में व्यू पिथौरागढ़ का। तो गाइस चलते हैं घर की ओर, तो मिलते हैं आप लोग से कहा घर में अब। तो गाइस हो चुकी थी रात, तो जस्ट मैं दुकान वुकान पर लाके मैंने खाना ना खा लिया था, खाना ना खाने के बाद जस्ट अभी मैं बाहर बैठे हम लोग, तो गुन्नू का भी दवाई खिला रहे हम लोग, और गुन्नू की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो गुन्नू के पेट में दर्द हो रहा था, तो गुन्नू को दवाई लेके आए, दवाई नहीं खा रही थी, कैसा कर रही है उसको जबरदस्ती दवाई खिला रखा है। तो देख सकते हैं आप लोग, तो रात हो चुकी है, कुछ नज़ारे रात के उस टाइप के गाइस, जो रही दिख रहा है नीचे वो रही दिख रहा होगा गाइस आप लोग को, और ये दिख रहा होगा आपको लुंडला गाँव पूरा। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग रात कुछ नज़ारा ऐसे हैं। तो गाइस दस से सोने की तैयारी चली थी हमारी, अब तो हमने सही उन्नू को दवाई खिलाते थे उसके सोते हैं, ये देखो इसके दवाई लेके आए और खारी थी दवाई, अब जॉय भी है यहाँ पर, जॉय 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 भी कैसे देख रहा है उसको, तो गाइस दवाई खिलाते उसके क्या मिलते हैं। तो गाइस हो चुकी है रात, तो गुन्नू को हमने खाना, दोनों गुन्नू को हमने दवाई खिला दी थी, तो गुन्नू यार आपको पता है दवाई नहीं खाती वो, जबरदस्ती उसको दवाई खिलानी पड़ी गाइस। तो देख सकते हैं आज मेरे साथ लास्ट में जॉय है, जॉय देखो कैसे बैठा है मेरे साथ, जाओ आप ब्लॉग एंड करोगे बाय करेगा है बाय करेगा। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग जॉय को, तो ये ब्लॉग काफ़ी लंबा रहेगा गाइस, तो मिलते हैं आप लोग एक नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नए विचार के साथ। तो गाइस सब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड, मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, बाय।